सत श्री अकाल, मैं रतिंदर सिंह खेरा, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। निगाह मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। आम आदमी पार्टी ने ऐलाने पंजाब दीआं राज्यसभा चोणां लई उम्मीदवार। दिल्ली दे बंदिआं नूं राज्यसभा भेजण ते पड़के सुखपाल खेरा, भगवंत मान नूं कहा लोक माफ नहीं करनगे तुहानूं। कुलतार सिंह संधवा बणे पंजाब विधानसभा दे स्पीकर। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल दी हार दा ठीकरा केजरीवाल दे झूठे वादिआं ते भन्निआ। नशे की ओवरडोज नाल हुई नौजवान की मौत, आप दी विधायक का एक्शन, पुलिस नूं दित्ते वड्डे निर्देश। कांग्रेसी आगू ने चुके आप दी सरकार वालों बनाई गई कैबिनेट के सवाल। अमृतसर च 5 किलोमीटर दंदौट हुंदे हुए मंदिर पुजा भगत, पंजाब च आप दी सरकार बनने लई मंगी सी मन्नत। ते हुण खबरां विस्थार नाल। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा लई सारे उम्मीदवार ऐलान दिते ने, जिस विच आप आगू राघव चड्डा और क्रिकेटर हरभजन सिंह नूं वी राज्यसभा दी टिकट मिली है। गल कीती जाए IIT प्रोफेसर संदीप पाठक नूं आप राज्यसभा विच भेज रही है। संदीप पाठक पंजाब आप दे रणनीतिकार भी रह चुके ने। उस दे नाल ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दे फाउंडर ने अशोक मित्तल भी राज्यसभा मैंबर बनन जा रहे ने। पंजाब दे वड्डे सनदकार संजीव अरोड़ा भी नामजदगी दे लई पेपर भर चुके ने। विधानसभा पहुंच रहे हन। राज्यसभा दीआं 5 सीटां अगले महीने खाली हो रही सन। राज्यसभा चोणां 31 मार्च नूं होणगीआं। जिक्रयोग है कि आपने 117 मैंबरी पंजाब विधानसभा च कांग्रेसी श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ अते भाजपा पंजाब लोक कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल दे गठजोड़ हरनू हरा के 92 सीटां हासिल कीतियां सन। पिछले हफ्ते पंजाब विच भगवंत मान दी अगवाई वाली कैबिनेट विच एक औरत समेत आप दे 10 विधायकां नूं शामिल कीता गया सी। 10 विचों 8 पहली बार विधायक बने हन। सारिआं ने पंजाबी विच सौं चुकी। आम आदमी पार्टी वालों राज्यसभा दीआं 5 सीटां लई उम्मीदवार ऐलाने जाण मगरों कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने एक ट्वीट विच कहा, जेकर राज्यसभा लई ऐलानी संभावी उम्मीदवारां दी सूची असली है तां इह पंजाब लई सब तों दुखदायक खबर है ते साडे सूबे नाल पहला पक्षपात होवेगा। असीं गैर पंजाबीआं नूं नामजद कीते जाण दा जोरदार ढंग नाल विरोध करांगे। इह उहनां आप वर्करां नाल मजाक है जिन्हां पार्टी लई काम कीता। खहरा ने कहा कि मैं भगवंत मान नूं अपील करांगा कि उह बीबी खालड़ा जिहे लोकां दा सन्मान करन ते अपने विचार नूं अमल विच लियाउण। उन्होंने कहा कि बीबी खालड़ा नूं राज्यसभा मैंबर बनाया जावे जिन्हां पुलिस दा जुल्म सहण दे नाल पंजाबियां लईआं वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। सुखपाल खहरा ने भगवंत मान अते अरविंद केजरीवाल दे वरदिआं आख्या कि आम आदमी पार्टी नूं इस फैसले की कीमत चुकाउणी पवेगी। उन्हां आख्या कि पूरे पंजाब चों आम आदमी पार्टी ने किसी भी सरकार या फिर आम आगू की बांह नहीं फड़ी ते दिल्ली तों बाहरले व्यक्तियां नूं पंजाब दे लोकां दे सिर ते बिठाया जा रिहा। दोस्तों इस तरह वा कि तुसी सब ने तकरीबन सुन लिया होगा कि 5 राज्यसभा दे मेंबर्स पहली किश्त विच पंजाब चो चुने जाने हैं। चुनना किन्हां ने है, पंजाब दे 117 MLAs ने, भाव कि 3.25 करोड़ जिहड़ी पंजाब दी आबादी है इस नूं रिप्रेजेंट करन वास्ते साडे नुमाइंदे अपर हाउस जिहड़ा है लोक सभा दा उतला हाउस है राज्य सभा उत्थे पहुंचने ने। ते अज सोशल मीडिया ते बहुत चर्चावां ने, तकरीबन ते ही है। आई होप कि वो न्यूज़ गलत होवे। आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ उह बनाउण जा रही है शायद 3 या 4 गैर पंजाबी, कोई राघव चड्डा है, एक कोई संदीप पाठक है, एक दा कोई होर नाम सी, मैनूं नाम भी नहीं उहदा पढ़ के समझ आ रही सीगी जो मैनूं पता लग्गिया वा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि हले दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। जो मैनूं पता लगा कि सिर्फ पंजाब दे विच्चों 5 चों एक हरभजन सिंह जिहड़ा क्रिकेटर है साडा उस नूं बनाउण जा रहे आ। हरभजन सिंह ने दुनिया भर दे विच पंजाब दा, देश दा ते सिखां दा नाम बहुत उच्चा चक्या। उस दी नॉमीनेशन दा, उस नूं राज्यसभा बनाए जाण दा मैं और साडे जिन्ने कोलीग्स ने कांग्रेस पार्टी दे असीं स्वागत करांगे, क्योंकि अज लास्ट डेट है नॉमीनेशन फाइल करन दा। जिहड़े दूजे बनाए जा रहे ने दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब कि एक साडा जिहड़ा पंजाब है गुरुआं पीरां पैगंबरां दी खून नाल सिंजी हुई धरती है, एक नॉर्मल रूटीन सूबा नहीं गा। इस करके इस सूबे च लोगों के जज्बातों नाल किसे तरह भी खेडना यह बहुत महंगा पवेगा जिहड़ा भी बंदा खेडदा उस नाल। पंजाब विधानसभा सैशन के दूजे दिन अज कार्रवाई की गई। इस दौरान कुलतार सिंह संधवा नूं विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया।
सर्वसम्मति नाल कुलतार सिंह संधवा की स्पीकर वजो चोण की गई है। इतने ही यह भी दस दी है कि कुलतार सिंह संधवा कोटकपुरा तो विधानसभा की चोण जित के विधायक बने हैं। सैशन दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रस्ताव रखा कि कुलतार सिंह संधवा स्पीकर चुनिया जाए। इस उत्ते हरपाल चीमा वालों समर्थन दिता गया और सर्वसम्मति के नाल कुलतार संधवा की चोण की गई। इस दौरान उन्होंने स्पीकर वजो सहुं भी चुकी। इस मौके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगे बोलदिया कहा कि यह वड्डा ऐलान करते हैं कि पंजाब विधानसभा की कार्रवाई का हुण लाइव टैलीकास्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सभा बारे लोगों को जानना चाहिए, विधानसभा च की हो रहा इसे दसण योग है कि पंजाब विधानसभा का सैशन 17 तारीख तो शुरू होया जो कि 22 मार्च तक चलेगा। विधानसभा चोणां च मिली वड्डी हार तो बाद साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर लंबी हलके के अंदर सरगर्मियां शुरू कर दित्तियां ने। 95 साल बजुर्ग सियासतदान ने हलके के वक्-वक् पिंडां च पार्टी वर्करां दे धन्नवाद लई कीतियां मीटिंगां च कहा कि जित हार जिंदगी का हिस्सा हन अते कई बार गलत ते झूठे प्रचार लोगों ते असर कर दिंदे ने। हलके के पिंडा फतूही वाला सिंगे वाला मिठड़ी अते गरगड़ विच पार्टी वर्करां नूं संबोधन करदिया बादल ने कहा कि वह दिल दीआं गहराइयां तो लोगों का धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने हमेशा तन मन अते धन नाल अकाली दल का साथ दिता। उन्होंने कहा कि जितां हारां पार्टियां ते आउंदियां रहिंदियां ने क्योंकि कई बार झूठा प्रचार लोगों ते असर कर जाता है। उन्होंने कहा कि पहला 2017 च ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तलवंडी साबो विखे श्री गुटवा साहब की झूठी सहु खा के लोगों नूं रुजगार अते नशे के खात्मे का वादा किया सी, जिस करके लोग झूठे प्रचार में आ गए। इस मौके बादल ने यह भी कहा कि वह लोगों नाल सीधा राबता रखणगे अते हमेशा लोगों की सेवा च हाजिर रहणगे। उन्होंने कहा कि वह अपनी कमाई चो किसी भी गरीब व्यक्ति के इलाज लई PGI तक मदद करनगे। इस तों इलावा गरीब लड़कियां दे विआह अते बच्चियां दी पढ़ाई लई वह हर तरह की संभव मदद करिया करनगे। यह मदद उन्हां लोकां दी कीती जाएगी जिहड़े खुद खर्च करन तों असमर्थ ने। मोगा के जीरा रोड से रहने वाले 17 साल अभी की नशे की ओवरडोज नाल मौत हो गई। मृतक के परिवार नाल दुख साझा करन मोगा तो MLA अमनदीप कौर अरोड़ा मृतक के घर पहुंची, परिवार नाल दुख साझा किया। मृतक के परिवार नाल गलबात करदिया उन्होंने दसिया कि उन्होंने छोटा मुंडा रात सांधा वाली बस्ती विच रहने वाले बिल्ला नामी नौजवान कोल गया सी, जिथे उसने नशे का टीका लगा लिया अते ओवरडोज कारण मौत हो गई। जदों कि सानू उस घटना का पता लगा तो मेरे वड्डे मुंडे ने उसे चुक के घर लिया, पर उदों तक उसकी मौत हो चुकी सी। मृतक के पिता ने कहा कि उक्त नौजवान की चिट्टे से नशे का टीका लगाउंदिया ही वीडियो भी वायरल हुई सी। MLA डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने पत्रकारों नाल गलबात करदे दस्सिया कि इस मामले ते दोषियों ते सख्त कार्रवाई करदिया 4 नशे दे तस्करां ते परचा दर्ज करवाया गया है। उन्हां ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हलका वासियों नूं बेनती की है कि जिहड़े भी लोग चिट्टा नशा या कोई होर तरीके का इस तरीके का गैर वाजब समान वेचते या करते नज़र आते हैं तो उन्हां दी जानकारी या वीडियो बना के उन्हां तक पहुँचाई जाए ता जो उन्हां दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हां आश्वासन दवाया कि चाहे कोई भी होवे किसी भी पार्टी का होवे बख्शा नहीं जाएगा अते जिहड़े नौजवान नशा छड्डना चाहुंदे हन उन्हां दी हरेक तरह की मदद की जाएगी। नशा छुड़ाऊ केंद्रां विच पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बड़े सुचारू ढंग के नाल नशा छुड़ाया जाता है। तुहाडी सेवा लई हमेशा हाजिर हाँ। नशा तस्करां दी लिस्ट आ चुकी है अते इह सारे सलाखां दे पिछे होणगे। नशे नूं जड़ तो खत्म किया जाएगा ता जो इस उत्ते जिहड़े जानवर दे छोटे मुंडे ने उहनां दीआं जानां ऐ ना जाण। किन्नी बुरी हालत हो चुकी है नशियां दे नाल, किन्ने मामा दे पुत चले गए आ। अज भी साढ़े मोगा दे विच जीरा रोड ते गली नंबर 4 दे विच इक 17 साल दा नौजवान जिहड़ा हैगा राती अपने घरों गया अपने फ्रेंड्स दे नाल साधा वाली बस्ती। उत्थे उन्हें जिहड़ा असी जदों उन्हां दे घरदिआं नूं फोन कीता उन्होंने पता चलिया कि बेहोश पिया उन्हां दा बच्चा उत्थे, ते जदों उन्हूं हॉस्पिटल ले जाया गया तो उदों पता चलिया कि वह बच्चा इस दुनिया दे विच ही नहीं रहा। जिहड़ा इंजैक्शन सीगा उहदे लग्गिया होया सी आर्म दे विच, IV इंजैक्ट कर रहा सी ड्रग्स, ते उस दे नाल उहदी जिहड़ी मौत हो गई है बच्चे की। सो असी मैं पहला भी असी अपील की मोगा निवासियों नूं बड़े प्यार दे नाल बेनती की सी कि जिन्ने भी नशा बेचते हैं प्लीज़ बंद कर दो, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी।
कांग्रेस के सुल्तानपुर तो साबका विधायक नवतेज सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी की सरकार वालों बनाए गए मंत्रियों से सवाल चुके हैं। साबका कांग्रसी विधायक ने कहा कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की चोण भावें आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर मैनू लगता है कि अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, बीबी सरबजीत कौर माणुके और कुलतार सिंह सदवा भी मंत्रिमंडल में शामिल होने चाहिए सन। उन्होंने कहा कि वह लोग हैं जिन्होंने हर चंगे माड़े समय आम आदमी पार्टी का साथ दिता। दस दई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट लई 10 मंत्रियों दे सौ चुकी है। मंत्री बनने वालों च हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल, गुरमीत सिंह मीतहेयर, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर विजय सिंगला, लाल चंद कटारू चक, हरभजन सिंह ईटीओ, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर जिंपा, हरजोत सिंह बैंस शामिल ने। अज वर्कर जोड़े सुल्तानपुर लोधी हल्के अपने उन्होंने सद के उन्होंने काफ़ी दिनों का फोन पर टाइअप से मंथन जोड़ा किया गया, जोड़ा जो भी रिजल्ट आया सुल्तानपुर चो जरा कारण करके उन्होंने सुझाव लै गए गांह किदा आप चलना आ जरा जिंदगी जितना हार एक पार्ट आतिहास का बहुत कुछ देखे। 85 च हार देखी आ, 92 सरकार वेखी आ, 97 च 2002 नहीं टिकट मिली, 7 च टिकट मिली फिर हार देखी आ, 12 च जित गया तो सरकार नहीं बनी, 17 च सरकार देखी आ। तो ये चीज़ा जड़िया चलदिया रहिंदियां, ये लड़ाई जी लड़ना फर्ज आ और लड़ाई जी वर्कर के नाल वर्कर के साथियों के नाल ही लड़ी जाती है। तो ये लड़ाई तगड़े हो के होर इनू संघर्ष में तेज़ करांगे ते जिहड़ा सरकार दा जिथे वधिया रोल होया उन्नू जिहड़ा शलांघा करांगे, जिथे गलत रोल होया उहदा जिहड़ा उन्नू अहसास करांगे जरूर। सूबे च आम आदमी पार्टी की सरकार बनने को लैके जश्नों का दौर चल रहा है। अमृतसर च एक वक्री तस्वीर भी सामने आई है। इतों के बटाला रोड के वसनीक अक्षय मेहरा ना के व्यक्ति ने आप की सरकार बनाने लई सुखना सुखी सी। सुखना पूरी होने ते वह एतवार को घरों निकलिया ते 5 किलोमीटर तक दंदौट हुंदा होया मंदिर पहुंचा। अक्षय मेहरा को अगे वधण तो पहला सड़क ते पे देख के लोग हैरान रह गए। आम तौर पर अजिहा दृश्य माता वैष्णो देवी धाम या चिंतपुर्णी धाम च देखने मिलता है। लोग उस दे नाल तुरन लगे। अक्षय ने अपने घर तो शिवाला बाग भाइया तक 5 किलोमीटर का सफर तय किया। अक्षय ने कहा कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ अगे प्रण किया कि जेकर पंजाब च आप दी सरकार बनी अते विधानसभा हलका उत्तरी तो कुंवर विजय प्रताप सिंह जेतू रहे ता ओ मंदिर च मत्था टेकन आउणगे। ए इच्छा पूरी हुई। मैनू उम्मीद है कि जिस तरह तुसी दिल्ली विच काम किया है तुसी पंजाब दी दिशा भी बदलोगे। मैं ना भाई अक्षय मेहरा जी, की कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता कि मैं सुखना सुखी ही कि आम आदमी पार्टी बहुत बहुमत ने जीते तो इस करके जनता ने जिताया है, तो मैं अपनी सुखना पूरी जा रहा है जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी जीती है उस करके जीती की मैं डंडोल करके जावगा आम पार्टी जीतेगी। थी सर वोट आए शिवाले नू जवाहर नगर लंबे पै गए? हाँ जी हाँ जी, है कि आम पार्टी जे जीतेगी तो मैं डंडोल करके मंदिर मत्था टेक जावगा जी। कि मंदिर जा रहे भाई आदि शिवाले जी? तो हम आम आदमी पार्टी का जित गई है जी, कितनी भी उम्मीदा तुम आम आदमी सर? उम्मीदा बहुत है जी कि नशा मुक्त पंजाब करेगी, भ्रष्टाचार खत्म करेगी। हाँ जी और भी सर कई काम जेडे कई नहीं कर पाए सर। मेरी कुंवर विजय प्रताप सिंह जी कर गए जी। मिले सर? मिलया ही। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने पता तो? हाँ जी हाँ जी। भगवंत मान बारे की कहना चाहते सर? भगवंत मान जी भी साढ़े सीएम ने और बहुत सुधार करे जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सूबा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ की अगवाई में अंबाला तो शुरू हुई शहीद नमन यात्रा हुसैनीवाला वाघा बार्डर तो हुंदिया एतवार नूं जलियांवाला बाग पहुंची। इस मौके धनखड़ ने आजादी लिए कुर्बानी करने वाले शहीदों नूं याद करदिया कहा कि जिन्हां दे सदका सानू आजादी मिली है उन्होंने हर पल याद रखा जाना चाहिए। शहीद उधम सिंह नूं याद करदिया उन्होंने कहा कि कौम के सूरमे ने जलियांवाला बाग की घटना साल तक याद रखा तो फिर इंग्लैंड जाके जलियांवाले बाग में भारतीयों के कतलेआम करने वाले अंग्रेज अफसर उसकी करनी की सजा दी। धनखड़ ने कांग्रेस से वरद्या कहा कि इस पार्टी ने आजादी का सेहरा हमेशा खुद लैण की कोशिश की है जदों कि आजादी की लड़ाई में देश के लखां लोगों ने लड़ते हुए अपनी जान गवा दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आजादी के अमृत उत्सव में हर एक शहीद को याद कर रही है। उन्होंने दसिया कि 23 मार्च को हरियाणा के सारे 307 मंडलों में भाजपा वालों उलीके गए भगत सिंह, सुखदेव ते राजगुरु नूं याद किया जाएगा। इसी दिन शहीदों की मिट्टी तो सारे लोगों नूं तिल करके इन्हां वीरां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव
आज़ाद भारत अपना 75वां साल मना रहा है। इस समय 90 साल की जो आज़ादी की लड़ाई चली 1857 से 1947 तक, उसके बहुत सारे पड़ाव हैं। प्रथम स्वतंत्रता समर हुआ 1857 में, लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में लड़े, 26,000 लोग बलिदान हुए। लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी के साथ क्रांतिकारी बन के लड़े और कांग्रेस के आंदोलन में भी लोग लड़े। इस 75वें साल में उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन करने के लिए आज हम जलियांवाला बाग में हैं। भारत की आज़ादी के लिए 3,27,000 लोगों की शहादत हुई है, उसमें से एक बड़ी संख्या जलियांवाला बाग में थी। आधिकारिक आंकड़े कुछ 100 के हैं, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़े यहाँ के डॉक्टर समिति के अनुसार 1800 लोग यहाँ बलिदान हो गए थे। आधिकारिक आंकड़े इस बाग में 388 के हैं। आम आदमी पार्टी वालों पंजाब मामलों के सह इंचार्ज की जिम्मेवारी हुण डॉक्टर संदीप पाठक नूं सौंप दिती गई है। इस तो पहला पंजाब मामलों के सह इंचार्ज राघव चड्डा सन, जिन्ह ने पंजाब विधानसभा चोणों दौरान पार्टी लई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सी। पार्टी वालों हुण उन्हां नूं राज्यसभा मैंबर बनाया जा रहा है अते राघव चड्डा ने अज राज्यसभा के उम्मीदवार वजो नामजदगी भी दाखिल कर दी है। उन्हां दी जगह हुण पार्टी वालों पंजाब का सह इंचार्ज डॉक्टर संदीप पाठक नूं बनाया गया है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਗੋਆ 'ਚ ਹੀ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਰਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
इस नूं आम आदमी पार्टी दे दिल्ली च भाजपा नाल रिश्तियां च कौड़ेपन दे नाल जुड़ के देखा जा रहा है। इत्थों तक कि दोहां पार्टियां दे आगूआं ने पंजाब तों इलावा होर सूबियां च होईआं विधानसभा चोणां दौरान एक दूसरे के खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वल्लों आम आदमी पार्टी नूं पंजाब च बहुमत मिलण अते सरकार दे गठन होण ते ट्विटर जरिए वधाई दित्ती गई सी, जिस लई अरविंद केजरीवाल अते भगवंत मान वल्लों प्रधानमंत्री दा धन्नवाद कीता गया, जो रिश्ता इस तों अगे नहीं वध सकिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार यानी कि अज राष्ट्रपति भवन च आयोजित एक समारोह च जनरल बिपिन रावत नूं मरन उपरंत अते कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई शख्सियतां नूं पद्म पुरस्कार प्रदान करनगे। अज दे समारोह विच दो व्यक्तियों नूं पद्म विभूषण, 8 नूं पद्म भूषण अते 52 नूं पद्म श्री पुरस्कार दित्ते जाणगे। इन्हां चों देश दे पहले प्रमुख रक्षा प्रधान CDS जनरल बिपिन रावत अते गीता प्रेस दे प्रधान राधे श्याम खेमका नूं मरन उपरंत पद्म विभूषण नाल सन्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण पाउण वालियां च गुलाम नबी आजाद, पंजाब लोक गायिका गुरमीत बाबा, मरन उपरंत टाटा सन्स दे प्रधान अते एन चंद्रशेखर, कोविड रोकू टीके कोविडशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे मुखी साइरस पूनावाला अते होर लोग शामिल हैं। इस साल कुल 128 पद्म पुरस्कार दिते जा रहे हैं। साल 2022 कुल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण अते 107 पद्म श्री पुरस्कार दिते जा रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले की सूची च 34 महिलावां हैं। पद्म पुरस्कार देने लई दूजा समारोह राष्ट्रपति भवन च 28 मार्च नूं आयोजित होगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4500 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 4,50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨੋਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਹਾਨਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਵ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾ ਡੋਨਬਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਵ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਨਸਲਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਜ਼ਿਸੇਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।